न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहाड़ और उससे घिरी वादियां किसे आकर्षित नहीं करती। गगनचुंबी पहाड़, नदियों की कलकल बहती धारा, प्रकृति का ये अनमोल तोहफा है जो बिना कुछ दिए ही हमें मिला है। ऐसे में जरूरी है कि हम कुदरत के इस नायाब तोहफे को संभाले रखें। पर्वत सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी अहम है। ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे कारणों से पहाड़ों का जीवन भी खतरे में है, इसलिए पहाड़ों के संरक्षण और लोगों को पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था और 11 दिसंबर 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने का संकल्प लिया। आज के दिन को हर साल अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 की थीम विमेन मूव माउंटेन्स है। एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही मेघा परमार ने पहाड़ों के संरक्षण पर जोर दिया है। हम यदि पहाड़ चढ़ सकती हैं तो दुनिया की किसी भी चुनौतियों को पार कर सकती हैं। तो मैंने अपना पहाड़ चढ़ा है, अपना माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। अब आप अपने अंदर का माउंट एवरेस्ट खोजिए। सबके माउंट एवरेस्ट अलग अलग होते हैं। आप अपना माउंट एवरेस्ट खोजिए और उसको फतह करने के लिए निकल जाइए और अपने आप से बोलिएगा जब तक आप उसको चढ़ नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर हम सब मिलकर पहाड़ों के संरक्षण